नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर लूसेंट का जनरल नॉलेज, लूसेंट का सामान्य ज्ञान पढ़ा रहा हूँ, जो कि आपका ऑब्जेक्टिव किताब है, एमसीक्यू बेस्ड किताब है। ठीक है, इस किताब से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पॉलिटी, पॉलिटिकल साइंस का जो भी क्वेश्चन होगा उसको हम लोग सॉल्व कर रहे थे। तो आज हम चैप्टर नंबर, जो कि आपका 10 का पार्ट नंबर सेकेंड है, वाइस प्रेसिडेंट, तो उसको हम लोग आज सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए आपके सामने आ गया चैप्टर नंबर 10 का सेकेंड पार्ट, वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, तो इसी को हम लोग आप सॉल्व करेंगे। सॉरी, चैप्टर में आपका ये 11 है, 11 का पार्ट नंबर 2, द वाइस प्रेसिडेंट, उसको जो है ना सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है द वाइस प्रेसिडेंट से, ये आपका चैप्टर नंबर 11 है, द यूनियन से। ठीक है, और ये इसका पार्ट नंबर सेकंड होगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है द वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द, ऑप्शन ए राज्यसभा, ऑप्शन बी लोकसभा, ऑप्शन सी प्लानिंग कमीशन, ऑप्शन डी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। तो वन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए राज्यसभा। तो वाइस प्रेसिडेंट और इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका है इन केस द प्रेसिडेंट विशेष टू रिजाइन, टू होम इज द होम इज ही टू एड्रेसेस हिज रेजिग्नेशन लेटर। तो इन केस द प्रेसिडेंट विशेष टू रिजाइन, टू होम इज ही टू एड्रेसेस रेजिग्नेशन लेटर, ऑप्शन ए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी सेक्रेटरी ऑफ लोकसभा, ऑप्शन सी वाइस प्रेसिडेंट, ऑप्शन डी प्राइम मिनिस्टर। तो सेकंड का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी वाइस प्रेसिडेंट। तो इन केस द प्रेसिडेंट विशेष टू रिजाइन, टू होम इज ही टू एड्रेस इज रेजिग्नेशन लेटर, ऑप्शन सी वाइस प्रेसिडेंट। क्वेश्चन नंबर थ्री है हु हेल्ड द ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर टू कंजिक्यूटिव टर्म। तो हु हेल्ड द ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर टू कंजिक्यूटिव टर्म, ऑप्शन ए डॉक्टर डॉक्टर राधा कृष्णन, ऑप्शन बी एम आर मिस्टर आर वेंकट रमन, ऑप्शन सी डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, ऑप्शन डी डॉक्टर मिस्टर बी वी गिरी। ठीक है, तो थ्री का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर राधा कृष्णन। तो हु हेल्ड द ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर टू कंजिक्यूटिव टर्म, डॉक्टर राधा कृष्णन। क्वेश्चन नंबर फोर है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, तो आपको बताना है इसमें से कौन सा सही होगा। ठीक है, तो स्टेटमेंट वन है नो फॉर्मल इम्पीचमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर द रिमूवल ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट, ऑप्शन सेकेंड स्टेटमेंट है डिस्प्यूट रिगार्डिंग इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट रेफर टू द सॉरी रेफर टू द इलेक्शन कमीशन। ठीक है, और तो विच ऑफ दिस स्टेटमेंट आर करेक्ट, आपको बताना है। दो स्टेटमेंट दिया हुआ था तो कौन सा इसमें सही जो है आपका कथन है, ऑप्शन ए वन ओनली, ऑप्शन बी टू ओनली, ऑप्शन सी फोर्थ वन एंड टू, ऑप्शन डी नाइदर वन नॉट टू। तो फोर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी ओनली टू। ठीक है, आपका दूसरा सिर्फ सही था। तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्प्यूट रिगार्डिंग द इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट इज रेफर टू द इलेक्शन कमीशन, ये आपका सही है, बाकी पहला वाला आपका गलत है। क्वेश्चन नंबर आपका फाइव है द यूनियन एग्जीक्यूटिव ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ, द यूनियन एग्जीक्यूटिव ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ, ऑप्शन ए द प्रेसिडेंट द वाइस प्रेसिडेंट एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ओनली, ऑप्शन बी द प्रेसिडेंट एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ओनली, ऑप्शन सी द प्रेसिडेंट द वाइस प्रेसिडेंट एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड लोकसभा स्पीकर, ऑप्शन डी द प्रेसिडेंट द प्राइम मिनिस्टर डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा और लोकसभा स्पीकर। तो फाइव का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए द प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ओनली इज द यूनियन एग्जीक्यूटिव ऑफ इंडिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सिक्स है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑफिशिएटिंग एज प्रेसिडेंट इज करेक्ट। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑफिशिएटिंग एज प्रेसिडेंट इज करेक्ट, ऑप्शन ए ही शैल कंटिन्यू टू बी चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट, ऑप्शन बी ही शैल सीज टू बी द चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट, ऑप्शन सी ही शैल नॉमिनेट द नेक्स्ट सीनियर मोस्ट मेंबर ऑफ द हाउस टू बी चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑफिशिएटिंग एज प्रेसिडेंट इज करेक्ट। तो सिक्स का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी ही शैल सीज टू बी द चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट, तो ही शैल सीज टू बी द चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट। ठीक है, ये सही है, बाकी आपका जो है गलत है। क्वेश्चन नंबर सेवन आपका है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, तो आपको यहाँ पर दो स्टेटमेंट दिया गया, बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन ए ओनली वन, ऑप्शन बी ओनली टू, ऑप्शन सी बोथ वन एंड टू, ऑप्शन डी नाइदर वन नॉट टू। तो सेवन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी बोथ वन एंड टू,
तो दोनों आपका सही है। तो द वाइस प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय मेंबर्स ऑफ एन इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ द मेंबर्स ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट। तो वाइस प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय मेंबर्स ऑफ एन इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ द बोथ मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। क्वेश्चन नंबर सिक्स, दूसरा स्टेटमेंट है, व्हेन द वाइस प्रेसिडेंट डिस्चार्जेस द फंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ही वुड बी इंटाइटल टू द सेम इमोलमेंट अलाउंस एंड प्रिविलेजेस टू विच द प्रेसिडेंट इफ इंटाइटल अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। तो दोनों आपका सही हो जाएगा। तो व्हेन द वाइस प्रेसिडेंट डिस्चार्जेस द फंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ही वुड बी इंटाइटल टू द सेम इमोलमेंट अलाउंस एंड प्रिविलेजेस टू विच द प्रेसिडेंट इफ इंटाइटल अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन नंबर एट है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द वाइस प्रेसिडेंट। तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ऑप्शन ए, विच ऑफ द स्टेटमेंट आर करेक्ट। ऑप्शन ए वन ओनली, ऑप्शन बी टू ओनली, ऑप्शन सी बोथ वन एंड टू, ऑप्शन डी नाइदर वन नॉट टू। तो विच ऑफ दिस स्टेटमेंट आर करेक्ट, आपको बताना है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो ऑप्शन नंबर सी बोथ वन एंड टू, ठीक है। तो द वाइस प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाई एन इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ द बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट। द वाइस प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाई एन इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ द बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। और दूसरा आपका है, तो कॉन्स्टिट्यूशन इज साइलेंट बट अबाउट ए पर्सन हु इज द ड्यूटीज ऑफ द प्रेसिडेंट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ वैकेंसी। तो कॉन्स्टिट्यूशन इज साइलेंट अबाउट ए पर्सन हु इज द ड्यूटीज ऑफ द प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ वैकेंसी, ठीक है, दोनों सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नाइन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट करेक्ट। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, इसमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट आपका सही नहीं है। तो नाइन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, ये आपका सही नहीं है। तो पढ़ते हैं क्यों सही नहीं है। द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी रिमूव बाई ए सिंगल मेजोरिटी ऑफ वोट्स पास्ट बाई द राज्यसभा ऑनली। तो ये गलत है। द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी रिमूव बाई ए सिंगल मेजोरिटी ऑफ वोट्स पास्ट इन द राज्यसभा ऑनली, ये गलत है। द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होल्ड्स ऑफिस फॉर ए पीरियड ऑफ फाइव ईयर। द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होल्ड्स ऑफिस फॉर ए पीरियड ऑफ फाइव ईयर, ये सही है। द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कंटिन्यू टू बी इन ऑफिस इवन आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ सिस्टम टिल हिज सक्सेसर टेक्स ओवर, ये भी सही है। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज टू लुक इन टू ऑल डिस्प्यूट विद रिगार्ड टू द इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज टू लुक हैज टू टुक इन टू ऑल डिस्प्यूट विद रिगार्ड टू द इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये चार दिनों पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर टेन है, कंसिडर द फॉलोइंग वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो कंसिडर द फॉलोइंग वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट क्रोनोलॉजी ऑफ देयर टेन्योर। तो ऑप्शन ए 1 2 3 4, ऑप्शन बी 2 1 3 4, ऑप्शन सी 2 1 4 3, ऑप्शन डी 1 2 4 3। तो आपको बताना है 10 का राइट आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए सबसे पहले बीबी गिरी, उसके बाद आपका जी एस पाठक, उसके बाद थर्ड में आपका बी डी जस्टी और फोर्थ में आपका एम हिदायतुल्ला। ये आपका जो है सही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है। तो पहला बीबी गिरी, दूसरा आपका जी एस पाठक, तीसरा बी डी जस्टी, चौथा आपका एम हिदायतुल्ला। क्वेश्चन नंबर 11 है, हु इज द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, हु इज द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। ऑप्शन ए द प्रेसिडेंट, ऑप्शन बी द वाइस प्रेसिडेंट, ऑप्शन सी द प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन डी द स्पीकर। तो हु इज द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में बी द वाइस प्रेसिडेंट। क्वेश्चन नंबर 12 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नॉट करेक्ट। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नॉट करेक्ट, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। तो चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। ऑप्शन ए है कोड 1 एंड 2, ऑप्शन बी है 2 एंड 3, ऑप्शन सी है 1 एंड 4, ऑप्शन डी है 3 एंड 4। तो 12 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है 1 एंड 4, ठीक है। तो 1 और 4 आपका सही है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नॉट करेक्ट। तो इन ऑर्डर टू बी वाइस प्रेसिडेंट ए पर्सन मस्ट बी क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज ए मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपुल। इन ऑर्डर टू बी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ ए वाइस प्रेसिडेंट ए पर्सन मस्ट बी क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज ए मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपुल। और चौथा है, ही कैन बी रिमूव थ्रू ए फॉर्मल इम्पीचमेंट। तो ही कैन बी रिमूव थ्रू ए फॉर्मल इम्पीचमेंट, ये भी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों गलत है आपका। इन ऑर्डर टू बी वाइस प्रेसिडेंट ए पर्सन मस्ट बी क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज ए मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपुल, ये गलत है। और ये ही कैन बी रिमूव थ्रू ए फॉर्मल इम्पीचमेंट, ये भी गलत है आपका। दोनों सही है, तो 2 और 3 सही है। तो ए मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव कैन सीक इलेक्शन टू दैट ऑफिस, द टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट इज द सेम एज दैट ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 13 है, द प्रपोजल रिलेटिंग टू डिसमिसल ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट कैन बी प्रेजेंटेड इन द प्रपोजल रिलेटिंग टू डिसमिसल ऑफ द प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट कैन बी प्रेजेंटेड इन
ऑप्शन ए यानी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, ऑप्शन बी द राज्यसभा, ऑप्शन सी द लोकसभा, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। द प्रपोजल रिलेटिंग टू डिसिमल डिसमिसल ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट कैन बी प्रेजेंटेड इन। तो 13 का राइट आंसर है ऑप्शन में बी एनी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, तो एनी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट आपका सही हो जाएगा। द प्रपोजल रिलेटिंग टू डिसमिसल ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट कैन बी प्रेजेंटेड इन एनी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। क्वेश्चन नंबर 14 है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाइस प्रेसिडेंट वॉज नॉट अपॉइंटेड एज प्रेसिडेंट ऑफ कंट्री। तो विच ऑफ द फॉलोइंग वाइस प्रेसिडेंट वॉज नॉट अपॉइंटेड एज प्रेसिडेंट ऑफ कंट्री। ऑप्शन ए जस्टिस एम जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्ला, ऑप्शन बी आर वेंकटरमन, ऑप्शन सी कृष्णकांत, ऑप्शन डी डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो 14 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी कृष्णकांत। तो कृष्णकांत द वाइस प्रेसिडेंट वॉज नॉट अपॉइंटेड एज प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। क्वेश्चन 15 है, द रिजोल्यूशन फॉर रिमूविंग द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी मूव इन द रिजोल्यूशन फॉर रिमूविंग द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी मूव इन द ऑप्शन ए लोकसभा लून, ऑप्शन बी आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, ऑप्शन सी ज्वाइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट, ऑप्शन डी राज्यसभा लून। तो 15 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी राज्यसभा अलोन। ठीक है, द रिजोल्यूशन फॉर रिमूविंग द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी मूव इन द राज्यसभा अलोन। क्वेश्चन नंबर 16 है, हु अमंग द फॉलोइंग हैव हेल्ड द ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो हु अमंग द फॉलोइंग हैव हेल्ड द ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ऑफ कोड है 1, 2, 3, 4, बी है 1 और 4, सी है 2 और 3, और डी है 3 और 4। तो हु अमंग द फॉलोइंग हैव हेल्ड द ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो 16 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1 और 4। तो मोहम्मद हिदायतुल्ला और आपका शंकर दयाल शर्मा। ठीक है, तो दिस हेल्ड द ऑफिस ऑफ मोहम्मद हिदायतुल्ला एंड शंकर दयाल शर्मा आपका सही रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार हमने देखा आज का वीडियो। तो आज के लिए बस इतना ही, कल हम आपका नया चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 11 का पार्ट नंबर 3 प्राइम मिनिस्टर। तो आज के लिए बस इतना ही, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।